हर हर महादेव। कल हम लोगों ने अपनी यात्रा करी थी बंतोली गांव से अल्मोड़े की तरफ, लेकिन यार कल क्या हुआ, एक तो हम बंतोली से थोड़ा लेट में आए और दूसरा जो है रास्ते में इतनी बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश, उसकी वजह से बहुत हम लेट हो गए रास्ते में और रास्ते की वीडियो भी नहीं बना पाया मैं क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। और इसी बीच हम कल रात पहुँचे थे कुलस्यारी और कुलस्यारी के फील्ड में रात हो गई थी, हमने रात का वीडियो भी नहीं बना पाया यहाँ पे क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। और दिखाता हूँ आपको किस जगह पर हम कल रात रुके और अपनी फिर आज की यात्रा आगे को हम शुरू करेंगे। ये देख सकते हैं, ये है अपना कुलस्यारी का फील्ड जहाँ पे हमने करी है कैंपिंग। ये देख सकते हैं यहाँ पर लगाया हमने टेंट और पीछे करी है अपनी बाइक खड़ी। और देखो अभी दीपू लगाया वहाँ पर अभी अपना बैग सुखाने में, उधर भी रखा है इसने। देखो हमारा थोड़ा सामान भी गीला हो गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी, कवर तो किया था हमने उसके बाद भी सामान गीला हो गया था। अब करते हैं तो थोड़ा अपना खाना नाश्ता वास्ते की तैयारी करते हैं और फिर सामान वामान पैक करके अपनी आगे की यात्रा को करते हैं। आज अल्मोड़े की तरफ निकलते हैं यहाँ से। आज भी मौसम कुछ ऐसे ख़राब ही लग रहा, लेकिन हमने अपना सामान देख सकते हैं सारा सुखाने लगा दिया, कुछ बाइक के ऊपर रख दिया, कुछ यहाँ पर सुखाने और टेंट भी उल्टा करके रख दिया ताकि सूख जाए। और इधर पर दीपू लगाया अपना मोबाइल में खजर वजर करने में। और करते हैं कुछ नाश्ता वास्ता बनाते हैं। नाश्ता क्या है हमारे पास, मैगी पड़ी है, मैगी बनाते हैं। होने लग गई अपनी मैगी बनाने की तैयारी। मैगी बन चुकी है अपनी, खाते हैं फिर सामान वामान पैक भी करना है यार। नाश्ता वास्ता भी कर लिया हमने और कपड़े भी सुखा दिए और बाइक हो चुकी है अपनी तैयार। देख सकते हैं आप बाइक में सारा सामान वामान बांध दिया और अब चलते हैं यार यहाँ से आगे की तरफ। आज अल्मोड़ा पहुँचना है, दीपू भी तैयार है बाइक में बैठने के लिए। बहुत दिन हो गया, 20 दिन का हो गया पूरा ट्रिप। बाइक स्टार्ट कर ली, आज की यात्रा करते हैं शुरू। आज अल्मोड़ा ही पहुँचना है हमें। हर हर महादेव। आज की यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं है हमारी, बस 115 से 20 किलोमीटर है। अभी हमें कुलस्यारी के फील्ड में और कुलस्यारी फील्ड से मेन रोड में जाते हैं, उसके बाद चढ़ते हैं यहाँ से थराली साइड को, थराली से ऊपर ग्वालदम, ग्वालदम से नीचे बैजनाथ, गरुड़, कौसानी, समेश्वर होते हुए कोसी और कोसी से ऊपर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा मार्केट से अपना नीचे धारनौला स्टेशन। काफ़ी ख़तरनाक रोड हो रही है, ऑफ रोड के शौकीनों के लिए बढ़िया हो रहा है। शौकीन तो मैं भी हूँ ऑफ रोड का, लेकिन इतने लगेज के साथ तो नहीं हूँ यार ऑफ रोड का शौकीन मैं। दो दो जने बैठे हैं और सामान भी बहुत है। ये आ चुके हैं हम मेन रोड में। पूरा एडवेंचरस रोड है यार, देख रहे हो कितना खतरनाक हो रहा है यार माहौल। थोड़ा सा सावधानी घटी घटी वाला इलाका है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं थराली बैंड में। बाईं तरफ का जो रोड जा रहा है ये है थराली, उसके बाद आगे देवाल लोहाजंग होके रूपकुंड की तरफ जाता है और अपना ये रोड जिसमें हम जा रहे हैं ये है ग्वालदम की तरफ। अब हम लोग थराली बैंड से करीब 22 से 25 किलोमीटर का चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंच चुके हैं ग्वालदम में। ये है ग्वालदम का मार्केट जो हमारा कुमाऊं गढ़वाल का बॉर्डर भी है। अब जो सामने हरा बोर्ड दिख रहा है यहाँ से बागेश्वर ज़िला स्टार्ट हो गया। ग्वालदम से नीचे उतरने के बाद आता है बैजनाथ और ये देख सकते हैं नीचे जो बाएं तरफ को जो रोड जा रही है बागेश्वर के लिए और दाएं हाथ वाली सीधी रोड जो है अपना आगे गरुड़ उसके आगे अल्मोड़े के लिए जाती है। दाएं हाथ की तरफ को दिखने लग चुकी है बैजनाथ की खूबसूरत सी झील और झील के ही उधर कोने में है बैजनाथ मंदिर। जैसे ही बैजनाथ का कस्बा ख़त्म होता है तो उससे लगा हुआ ये गरुड़ का कस्बा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गरुड़ के कस्बे।
गरुड़ से 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आता है कौसानी का कस्बा। देख सकते हो आप लोग, हम पहुंच चुके हैं कौसानी कस्बे में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कौसानी से थोड़ा नीचे उतरते ही शुरू हो जाती है समेसर घाटी। आप लोग देख सकते हैं समेसर घाटी का ये सुंदर सा नज़ारा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं समेसर में। समेसर से जो दाएं तरफ का रोड जा रहा है ये जाता है दोराहट की तरफ, और हमारा सीधा रोड अल्मोड़ी की तरफ। समेसर से 25-30 किलोमीटर चलने के बाद आता है कोसी मार्केट। अभी हम हैं कोसी मार्केट में। छोटा सा मार्केट है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन काफ़ी व्यस्त मार्केट है कोसी का, हमेशा भीड़भाड़ दिखती है। कोसी का मार्केट ख़त्म होते ही आता है कोसी पुल, और जो सीधा रोड जा रहा है ये जाता है सितवा खेत की तरफ, और हम चल दिए अल्मोड़े की तरफ। जैसे ही सियालीदार बैंड क्रॉस करते हैं तो दिखने लग जाता है अपना शहर अल्मोड़ा। बहुत दिन बाद देख रहे हैं यार अल्मोड़े को, देखने में मज़ा आ रहा। अभी यहाँ से अल्मोड़ा स्टेशन बचा हुआ है करीब 8-9 किलोमीटर, और मुझे तो जाना है अल्मोड़े की पल्ली तरफ, और मेरा होता है अल्मोड़ा स्टेशन से 10 किलोमीटर, तो मुझे जाना है अभी 17-18 किलोमीटर अभी यहाँ से। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अल्मोड़े में, यह है शिखर तिराहा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़े के रोडवेज स्टेशन पे। देख सकते हैं अभी दिल्ली की रोडवेज गाड़ी भी लगी हुई है स्टेशन पे, और रोडवेज स्टेशन के ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है केमू स्टेशन। केमू स्टेशन पे तो अभी कोई भी केमू की बस खड़ी नहीं है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चौहान बाटे में, जिसे गांधी चौक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़े के मॉल पे, रघुनाथ सिटी मॉल। ट्रेंडिंग पेंटालोन, कई सारे शोरूम हैं इसके अंदर, और जैसे ही रघुनाथ सिटी मॉल समाप्त होता है तो सामने ही दिखता है आकाशवाणी कॉलोनी, जो देख सकते हैं आप लोग सामने। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ब्राइटिंग कॉर्नर पे। यहाँ से सनसेट व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। अभी शाम होने वाली है, थोड़ी देर के बाद ही यहाँ सनसेट व्यू देखने वालों की काफ़ी भीड़ लग जाएगी। अब मैं पहुँच चुका हूँ करबला तिराहे पे, जो सीधे सामने की तरफ रोड जा रही है, जाती है हल्द्वानी और नैनीताल की तरफ, और अपना बाएं तरफ का रोड धारनोला स्टेशन की तरफ। मुझे तो यार पूरे अल्मोड़े की परिक्रमा करनी होती है, क्योंकि मैं रहता हूँ मेन स्टेशन के अपोजिट साइड में। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने धारनोले स्टेशन पे। बहुत अच्छी यात्रा रही मेरी, और देख सकते हैं यहाँ की चहल पहल धारनोला स्टेशन की, और सामने ही मेरा अड्डा भी आ गया जहाँ मैं रहता हूँ।